नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम ईई 304 सब्जेक्ट के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रनिंग ऑफ मोटर यूजिंग ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एज यूजुअल हम पहले कंट्रोल डायग्राम पढ़ेंगे, कंट्रोल डायग्राम से ऑपरेशन को समझेंगे, उसके बाद फुल डायग्राम बड़ी आसानी से ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल डायग्राम, इससे पहले हमने फॉरवर्ड रिवर्स रनिंग पढ़ा था इंटरलॉकिंग पुश बटन यूज करके। तो जो कंट्रोल डायग्राम होता है वो किसी दो फेज या एक फेज एक न्यूट्रल के बीच होता है। तो हमने सपोज एज यूजुअल माना फेज बी है, फेज बी से सप्लाई हमने लिया है, ये फ्यूज है, ये है हमारा स्टॉप बटन। स्टॉप पुश बटन है, ओवरलोड कॉन्टेक्ट यूजिंग ओवरलोड रिले है ये। उसके बाद ये फॉरवर्ड पुश बटन है, फॉरवर्ड पुश बटन, और ये है रिवर्स पुश बटन। फॉरवर्ड पुश बटन का होल्ड ऑन या सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है, सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है F1। रिवर्स पुश बटन का सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है R1। ये है R2 और ये है F2, और ये रिले है फॉरवर्ड रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रिले है F, रिवर्स रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रिले है R, और ये कंप्लीट हो रहा है दूसरे फेज को या न्यूट्रल को, यहां पे हम मान रहे हैं न्यूट्रल को। ये R2 मतलब F रिले कंप्लीट हो रहा है R2 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से, R रिले रिवर्स रिले कंप्लीट हो रहा है F के नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से, और ये जो होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट है ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली ओपन है। सपोज हमें मोटर को फॉरवर्ड में रन कराना है तो सप्लाई यहां से आया, स्टॉप बटन क्लोज है, सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट है और ये ओवरलोड लोड रिले है, यहां से सप्लाई आया, आपने फॉरवर्ड में मोटर रन कराना है, फॉरवर्ड बटन पुश किया, फॉरवर्ड बटन पुश किया मतलब रिवर्स बटन पुश नहीं है, सप्लाई आगे चला गया, रिवर्स बटन पुश नहीं है इसका मतलब कि रिवर्स रिले इनर्जाइज नहीं है, तो रिवर्स रिले का दूसरा कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज रहेगा और सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और फॉरवर्ड रिले इनर्जाइज हो जाएगा, मोटर फॉरवर्ड में रन करना चालू हो जाएगा। अब द मोमेंट हम रिवर्स बटन प्रेस करते हैं, फॉरवर्ड में मोटर चल रहा है, रिवर्स में हमने मोटर को चलाना है तो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे सप्लाई आगे चला जाएगा, सप्लाई आगे जाके रिवर्स अब F2 डी इनर्जाइज हो जाएगा। कैसे डी इनर्जाइज हो जाएगा, जैसे ही इसको पुश किया इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से R रिले इनर्जाइज हो जाएगा, R रिले इनर्जाइज होके
फॉरवर्ड सर्किट को डिसकनेक्ट कर देगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा आर रिले इनर्जाइज होने से। उसी तरह से जब फॉरवर्ड में मोटर चल रहा था तो रिवर्स में नहीं चलेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, और जब रिवर्स में मोटर चालू हो गया तो इसका कॉन्टेक्ट एक यहां पे है, इस कॉन्टेक्ट से ये कॉन्टेक्ट मेक हो जाएगा, नॉर्मली ओपन है, जैसे रिले इनर्जाइज हो जाएगा ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और मोटर का रिवर्स वाला पाथ कंप्लीट हो जाएगा, रिवर्स रिले इनर्जाइज हो जाएगा और मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे इंटरलॉकिंग ये है कि फॉरवर्ड पाथ में हमने रिवर्स का नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को रखा है और रिवर्स रिले के पाथ में फॉरवर्ड का नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट रखा है। जैसे ही फॉरवर्ड रिले इनर्जाइज हो जाएगा तो उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन होके रिवर्स वाले पाथ को डिसेबल कर देगा। उसी तरह से जैसे ही रिवर्स रिले इनर्जाइज हो जाएगा तो फॉरवर्ड वाले पाथ को डिसेबल कर देगा। यही है इंटरलॉकिंग। लेकिन ये जो इंटरलॉकिंग है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के जरिए है, न कि पुश बटन के जरिए है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इंटरलॉकिंग है। तो ये जो कंट्रोल डायग्राम है बहुत सिंपल है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, और यदि कंट्रोल डायग्राम हमें पता है तो फुल डायग्राम हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम कंट्रोल डायग्राम के जरिए पूरा फुल डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रनिंग ऑफ मोटर का यूजिंग ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आर वाई बी और ये न्यूट्रल। सबसे पहले मोटर का कनेक्शन आर वाई और ये बी, तीनों में फ्यूज, फिर टीपीआईसी स्विच, थ्री पोल ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, इस स्विच के बाद फॉरवर्ड रनिंग के लिए कॉन्टेक्टर चाहिए, यह है कॉन्टेक्टर और उसका रिले है एफ। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में हम देख रहे हैं कि एफ के दो कॉन्टेक्ट है, एक यहां पे और एक यहां पे, F1 और F2। तो F1 और F2 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है दो है, एक है F1 है नॉर्मली ओपन और F2 है नॉर्मली क्लोज, ये है F1 और ये है F2। इसके बाद सीधा सप्लाई मोटर को चला जाएगा यूजिंग ओवरलोड रिले, ये थर्मल ओवरलोड रिले है सप्लाई सीधा चला गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहां पे हम बना देते हैं, यह है ओवरलोड रिले, ये हो गया ओवरलोड रिले का कॉन्टेक्ट, इसको सप्लाई कनेक्ट करेंगे एज पर कंट्रोल डायग्राम। डायग्राम में कंट्रोल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे रिवर्स ऑपरेशन के लिए, तो इसके रिवर्स ऑपरेशन के लिए भी कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर लेंगे दो फेज, ये तीसरा फेज उसका कॉन्टेक्ट का रिले रिवर्स रिले आर, आर का भी दो कॉन्टेक्ट है आर आर वन एंड आर टू,
आर वन एंड आर टू, दिस इज आर वन दिस इज आर टू. आर वन है नॉर्मली ओपन और आर टू है, आर टू ये नॉर्मली क्लोज. फॉरवर्ड में मोटर को रन कराना है तो सप्लाई थ्रू होते ही, फॉरवर्ड रिले इनर्जाइज होते ही फॉरवर्ड में रन करने लगेगा. लेकिन जैसे ही मोटर को हमें रिवर्स में रन कराना है, रिवर्स में रन कराना है, यह है R, Y और यह है V. तो मोटर को रिवर्स में रन कराने के लिए फेज सीक्वेंस उसका चेंज करना पड़ता है. तो इसका मतलब B से जो सप्लाई आया है उसको B में ना करके दूसरे फेज में कनेक्ट करेंगे. दूसरे फेज में कनेक्ट किया हमने. उसके बाद जो Y से सप्लाई आया है, जो Y से सप्लाई आया है उसको हम Y से कनेक्ट ना करके R से कनेक्ट करेंगे. उसी तरह से R से जो सप्लाई आएगा, R से जो सप्लाई आएगा उसको R से कनेक्ट नहीं करके V से कनेक्ट करेंगे. तो मोटर रिवर्स R रिवर्स रिले ऑपरेट होते ही कॉन्टेक्टर मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट, फेज सीक्वेंस चेंज होने से मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा. अब हम बात करते हैं R1 R2 और F1 F2 के कॉन्टेक्ट्स की और F और R का कनेक्शन कैसे पूरा होगा. तो हम सबसे पहले शीट में ड्रॉ करेंगे तो प्रेजेंट टेबल लगेगा. बी फेज से सप्लाई लिया हमने, बी से सप्लाई लिया और इसमें फ्यूज कनेक्ट किया. फ्यूज के बाद हमारे पास है स्टॉप बटन, यह है स्टॉप बटन. स्टॉप बटन के बाद ओएलआर हम बाद में कनेक्ट करेंगे. स्टॉप बटन के बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स पुश बटन को ड्रॉ करेंगे. यह है फॉरवर्ड पुश बटन, यह है रिवर्स पुश बटन. क्लियर? फॉरवर्ड पुश बटन से कनेक्शन कहां गया? फॉरवर्ड पुश बटन से कनेक्शन गया R2 को. R2 के ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है, अंडरस्टूड है ये. तो यहां से सप्लाई कहां गया? R2 को गया. मैंने R2 को कनेक्ट कर दिया, R2 को कनेक्ट कर दिया. R2 से सप्लाई गया कहां? F रिले को गया. तो R2 से सप्लाई हम, R2 से सप्लाई हम F रिले को कनेक्ट कर देते हैं. ये F रिले कनेक्ट हो गया. F रिले से OLR में, OLR चूंकि सीरीज में है कहीं भी लगा सकते हैं, OLR से सप्लाई कहां गया? न्यूट्रल को गया. न्यूट्रल का कनेक्शन हमने यहां से ले लिया सीधा. ये न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया OLR के थ्रू. अब हम बात करते हैं R रिले की. R रिले का कनेक्शन F2 के थ्रू है. पहले रिवर्स पुश बटन, रिवर्स पुश बटन से, रिवर्स पुश बटन से हम चले जाएंगे R के पास. रिवर्स पुश बटन से R के पास. R से पहले रिवर्स पुश बटन से, रिवर्स पुश बटन से सप्लाई जाएगी F2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट के बीच. F2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट के बीच, ये F2, F2, F2 से सप्लाई कहां जाएगी? R के पास जाएगी. ये R रिले के पास चली गई. R रिले से फिर कहां जाएगी?
आर रिले से फिर न्यूट्रल के पास जाएगी, आर रिले से सप्लाई, ये न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल को पूरा हो गया। यदि हमें ओएलआर इसके भी सीरीज में डालना है तो कनेक्शन हम यहां से ना करके कनेक्शन यहां से करेंगे, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं R1 और F1 की। तो यहां से हम देख रहे हैं कि R1 पैरेलल है पुश बटन के और F1 पैरेलल है फॉरवर्ड पुश बटन के। R1 पैरेलल है रिवर्स पुश बटन के, R1 पैरेलल है रिवर्स पुश बटन के। सिंपली हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और ये पैरेलल R1 हो गया। अब F1 की बात कर लेते हैं, F1 पैरेलल है फॉरवर्ड पुश बटन के, F1 पैरेलल है फॉरवर्ड पुश बटन के। अभी सर्किट कंप्लीट हो गया। यहां पे ये है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, F2 है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, ये है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। तो इस तरह से देखा हमने कि कंट्रोल डायग्राम से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, और कंट्रोल डायग्राम यदि हमारा समझा हुआ है तो हम पूरी तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस चीज का डायग्राम हुआ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एज इंटरलॉकिंग। आगे हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर की, उसमें भी कंट्रोल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो धन्यवाद, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर।